प्यार इश्क और मोहब्बत और फिर धोखा और फिर लड़की जा पहुंची लड़के के घर और हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा। जी नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं शाहिद रजा। सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा प्रखंड क्षेत्र के सिंगा चौड़ी पंचायत के एक गांव में सगी चाची से एक लड़के की मोहब्बत हो गई और वो मोहब्बत लगातार पकवान चढ़ता रहा। मिली जानकारी के मुताबिक विष्णु शाह उर्फ चंदू के मोहब्बत अपनी चाची से हो गई और वो चाची 3 बच्चे की माँ थी। उसे इस बात का भी ख्याल नहीं आया कि रिश्ते में हमारी क्या लगती है और रिश्ते को कलंकित करने का काम किया। इस वक्त मैं जो चंदू शाह है उसके घर पे हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा उसकी घर की तस्वीर को दिखाए। हालांकि इस मामले को लेकर करके अब वो जो महिला है वो बयान देने से इनकार कर रही है, लेकिन जो महिला ने पहले बयान दिया है उस बयान को आप सुनिए। पहले उस बयान को सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। क्या हुआ है आखिर मामला जो है? आप जो यहाँ आए हुए हैं, ये आपके प्रेमी का घर है, बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई है। आप अपना पति और 3 बच्चे को छोड़ करके जो प्रेमी के घर आ गए हैं, और प्रेमी है यहाँ? नहीं, ससुराल में। कितना दिन यहाँ रहिएगा आप? जितना दिन रखेगा उतना दिन रहेंगे। कौन रखेगा यहाँ आपको? आपका आपको जिससे प्रेम था वही रखेगा? नहीं ना, यहाँ आएगा ना। अब जब तक नहीं आएगा तब तक क्या कीजिएगा? यहीं पर रहेंगे ना। जितना दिन रखेगा आप रहिएगा, और जब आपको यहाँ से निकाल देगा तो आप कहाँ जाइए? कहाँ जाएंगे? उसी पर रहेंगे। और नहीं रखेगा तो इसी घर में मर जाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। आपने गलत किया है, प्रेमी के पास आई, 4 बार गलत किया है, तुम कहाँ जाएंगे? 4 बार गलत किया, इसमें किसकी गलती थी? सिर्फ उसी की गलती थी या आपकी भी थी? मेरा भी था गलत। आप अपने 3-3 बच्चे को छोड़ करके आ गए, कभी बच्चे के बारे में सोचे हैं? सोचे हैं ना। क्या सोचे? तब ना हम उसका नंबर ब्लॉक कर देते थे, तो मेरा वो अति फेसबुक पर डाल देता था। तो फेसबुक पर जब डाल दिया तो आपके पति ने कहा कि यदि फेसबुक पे डाल दिया तो हम उसको नहीं बताए। नहीं बताया तो नहीं हम उसको बताए। क्या है? इसलिए हमको डर था। किस चीज का डर था? 24 घंटा लाइन पर था, कहीं डाल ना दे। अच्छा, मतलब जब मेरा भाई सबके जितना मेरा मामी का लड़का सब है, मेरा गाँव का लड़का सब है, नैहर का, सबका वो फ्रेंड बना लिया था। अच्छा, सब पता आप था। अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपने मायके में छत से कूद कर जान देने का भी प्रयास की थी? हाँ। क्यों की थी ऐसा? 3 लाख रुपया मेरा लगा था कलकत्ता में, मेरा मम्मी लगाई थी 85,000 रुपया। और कौन लगाया था 3 लाख रुपया? वो मेरा आदमी पहले का। किस चीज में लगाया 3 लाख रुपया? स्टील लगा है कमर में। आपको? हाँ, पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था, माथा में मतलब माथा फूल गया था, ऊपर से गिरे मतलब थे। धोखा पर धोखा दे रहा था, हम आएंगे, हम ले जाएंगे, हम शादी करेंगे। उसके बावजूद भी जब लड़का का शादी हो जाता है, यानी आपके प्रेमी का शादी हो जाता है, उसके बावजूद भी आप यहाँ से मिलता जारी रखे? हाँ, मिलता था। हम जब कहीं जाते थे तो हमको मारता था। आपके मायके में भी जाता था मिलने के लिए? हाँ, मोबाइल देने जाता था। जब बारी आया तो पीछे हट गया, बोल रहा है कि हम आएंगे तो उसको मारेंगे। हमको यही है कि हमको फैसला दिलाइए कि हमको मतलब अच्छा से रखे। अभी पति के लिए कुछ लगाव है या नहीं है? नहीं। पति यदि रखना चाहे तो क्या आप जाना चाहिएगा? नहीं, अब नहीं जाएंगे हम उसके, हम इसी घर में रहेंगे। इसी घर में रहेंगे? तय कर लिए हैं? हाँ, तय कर लिए। आपका जो 3 बच्चा है सो देगा तो हम रख लेंगे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। मतलब एक ऐसी माँ, मतलब पत्नी तो बन नहीं सकी, आप माँ भी बनना नहीं चाह रही है। बच्चा आप ही कहा ना कि बोले कि अब देंगे आप, आपको नहीं मुंह माया अपने बच्चे से? एक अच्छा पति है ना, मेरा बच्चा है ना, तो गलत जो बनाया। बाप के प्रेमी के घर वालों का आरोप है कि आप आज से 4 रोज जब उस घर में पकड़ाई तो आप ही बुलाई थी? नहीं, हम नहीं बुलाए थे उस दिन। तो कैसे पहुंचा था? वो अपने आया था मारने के लिए, मेहंदी हम लगाए थे हाथ में इसलिए। अच्छा, आप मेहंदी लगा लिए तो इतना प्रेम है कि मत मेहंदी लगा लिए तो आपको मारने नहीं किए ना? वो अपना बीबी से हमको गाड़ी दिवाया ना, तो हम इसलिए फोन नहीं किए, नंबर ब्लॉक कर दिए, तो इसीलिए आकर के हमको मारा। पत्नी से क्यों गाली दिलवाता था? फोन नहीं करते थे इसीलिए। आपके प्रेमी का कब शादी हुआ था? 1.5 महीना पहले। तो जब शादी, इतना प्रेम था आपको तो शादी होने से पहले उसका शादी आप रुकवा कहे नहीं दिया? हमको नहीं रुकवाने देता था, मारता था। तो बयान आपने सुन लिया। इस बयान में जो महिला है वो बता रही है कि पिछले कई महीना से जो चंदू है विष्णु शाह, वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था, मुझे अपनी पत्नी की तरह रखता था। उसके बाद अचानक दूध से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं वैसे फेंक दिया, और 1 महीना पहले
वो शादी भी रचा लिया। नतीजा ये हुआ कि जो महिला है वो महिला जो चंदू शाह है उसके घर पर आकर के धमक मारी और वो यहाँ आकर के बैठ गई और हिलने को तैयार नहीं है। ठीक बराबर में ही उसका घर है लेकिन जो चंदू शाह है उसके घर आकर करके बैठ गई और वो इस बात का इंतज़ार कर रही है कि भागे हुए चंदू शाह जब तक नहीं आएंगे मैं यहाँ से जाने को तैयार नहीं हूँ मैं। तो दोस्तों खबर पे के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर इसी तरह सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद जय भारत।